हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे डालने में। अक्षय तृतीया था तो हम लोग गए थे गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति लाने के लिए हमारे कारखाना घर के लिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ना हमारे कारखाना घर में पूजा होता है। तो हम लोग मूर्तियाँ के लिए बाजार गए थे। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थे ना, तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर मूर्तियाँ है। ये वाला मूर्तियाँ जो है ना हमने चूज किया है, लिया है। मुझे तो मन कर रहा था, सारे मूर्तियाँ बहुत अच्छे लग रहा था, कौन सा लूँ नहीं सोच पा रहा था। तो फाइनली वो दोनों को मुझे लिया, क्योंकि मेरे भगवान जी जो जहाँ बैठेंगे ना, वहाँ जो सिंहासन है ना थोड़ा छोटा है, तो मुझे छोटा वाला मूर्ति लेना पड़ा। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर, कितने प्यारे प्यारे मूर्तियाँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर है सब ना। मूर्ति लेने के बाद ना हम लोग भिक्षाराम में आ गए हैं। तो मुझे बहुत भूख लगा था, तो मैं ढोकला खा रही हूँ। हम लोग जो मिठाई लेंगे वो ना पैकेट पैकिंग हो रहा था, तो मैं सोचा यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो स्नैक्स है ना यहाँ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे मिठाई जो है ना, बहुत वैरायटी का मिठाई मिलता है। ये वाला गिफ्ट पैक भी देख सकते हो कितना अच्छा है। आप किसी का बर्थडे में हो, कोई भी फंक्शन हो, तो गिफ्ट पैक आप दे सकते हो। अभी रात को 10:30 बजने वाला है। हम लोग खा के ना छत पर आ गए हैं। ये छत पर आप नाइट व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मेरे फूलों के जो पौधे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था रातों में। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और ये वाला फ्लावर आप देख लो, नाइट में कितना सुंदर लग रहा है ये वाला। अभी मेरा सुबह का पूजा हो गया है। भगवान जी का प्रसाद लगा दिया, और अभी पूजा हो जाने के बाद ना सुबह का मन को बहुत शांति मिलती है। ये जो भगवान जी का पुराना कपड़ा है ना, ये मैंने गंगा जी में फेंकने के लिए ना एक प्लास्टिक में भर के ना रख दिया है इधर। ये वाला धूप के पैकेट जो है ना, इसका खुशबू बहुत अच्छा है। आप ना एक ना इसको लेके ना देख सकते हो। इसका थोड़ा कॉस्टली है, बट ये धूप भी ना बहुत अच्छा है। मैंने ये दोनों धूप ना भगवान जी के लिए ना जरूर लाती हूँ। अभी दोपहर का खाना मैंने बना लिया है। आज वेज सब बना है,
तो मैंने भाजी वगैरह बना लिया और ये सब सोयाबीन का जो सब्जी है ना वो बनाया है। नंदिनी को ना सोयाबीन का सब्जी बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को ना ये अच्छा नहीं लगता, तो मैंने फिर भी सोयाबीन बनाया क्योंकि बच्चे की पसंद का भी ना खाना कभी कभी बनना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे की पसंद से ही खाना बनती है। अभी शाम की 6 बज रहा है, तो मैंने ना छत पर जो कपड़ा सुखाए थे ना उसको नहीं उठाया था क्योंकि मैं ना भगवान जी के प्रसाद की ना तैयारियां कर रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ी लेट हो गई है। तो मैं अभी जा रही हूँ छत पर कपड़ा उठाने के लिए, और कपड़ा उठा के ना मैं शाम की संध्या आरती की तैयारी करूँगी और भगवान जी का प्रसाद जो बना है उसका मैं भोग लगाऊँगी। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर मैंने ये सब खाना भगवान जी के लिए बनाया है। मैंने आलू भाजा, पूरी और ये जो पनीर जो है मसाला पनीर मैंने बनाया है। देखने के लिए अच्छा लग रहा है पर कैसा है मुझे नहीं पता। इससे अभी खेलने की मस्ती चढ़ी है, कैसे कर रहा है देखो, ऐसे कर रहा है जैसे कपड़े को खोल के फेंक देगा। नंदिनी अभी रेडी हो रही है ट्यूशन जाने के लिए, इसका ट्यूशन टाइम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक है, तो स्कूल से आती है 2 बज जाती है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर अभी ट्यूशन के लिए निकल रही है। अभी मैं शाम के टिफिन में चाउमीन बना रही हूँ, कुछ खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाउमीन है उसको बना लूँ, तो टिफिन में हम लोग चाउमीन आज खाएंगे।